चार बुद्धिहीन तनु जानके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ क्लेश विकार मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यं याभ्यां विना न पश्यन्तीं सिद्धाः स्वान्ताय समीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं मास्तु हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारां गुण्डानं पुण्यारण्य विहानो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वराद्धाचिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं कर्त्र्यस्करीं सीतां नतो अहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्तिं विश्वं किलं ब्रह्मादिदेवासुरा यथाश्रुता विश्वैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा यत्पादफलकमेवमेव हि वां वो देशी स्थित्वां वन्दे अहं तव शेषकारणपरम् रामाक्षमीशां हरिं जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, जिन्हें केवल चरण भाव सागर से तारने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमाम संमता यदा रामायणे निगदाम करिंदो अपि स्वान्ता सुभाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषाने वंद मति मंजुल मातमूर्ति ही देव प्रसन्नति हर प्रसीदं प्रसीद मार्तो जगतो किलस्य प्रसीद वैश्वेश्वरी बाह वैश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य जयंत मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्र स्वाहा सुधा नमस्तुते सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वात्साधिके शरणान्वितरमित्य गौरी नारायणी नमस्तुते मान्यतनयाम देवाम वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदर सजनेम गौरी मावाप्याम ओम अम्बे अम्बिके अम्बकाली नमायात्रिकम ससत्सवासकम शुभाद्रिकम कामपीलवासिनीम शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमम मातरम जगत व्यापिनीम मीना पुस्तक धारिणीम भय प्रदाम जटन काराम पहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम मेदतीम पद्मासने संदिताम वंदेताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम सरस्वती महाभाग विद्ये कमलोचने वैद्यरूपे विशालाक्षें विद्यादि नमास्तुते हे देवी आप सभी को मैं काशी की तरह से काशी पूज्य अनंत नमस्कार करता हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में माता सीता के चरणों में साष्टांग दंडवत। आइए आज का प्रसंग है बालकांड का। उजन लाज समाज बड़ देखी सिया सकुचानी लाग विलोकन सकिन तनर बुदीर हीरानी। परंतु गुरुजनों की लाज से बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप रुचिय छवि देख नारा नरेन्द्र परिहार निर्मेश सोच ही सकल कहत सकुचाई विदिशन विनय करन मन माय। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि को देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं हर विधि बेग जनक तरताई मध्य हमार ऐसी देख सुहाई बिनु विचार पनु तीज नर नाम सी राम कर करे विवाहु। ए विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लो हमारी ही ऐसे सुंदर बुद्धि उन्हें दे दो
जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दिया। जग भला कहे भाव सब काहू, हट कीन अंत भूर दाहु, एहि लाल सा मगन सब लोगु, बारु साबरु जान की जो। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है, हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा, सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सावला ही है, राम जी सावले थे। तब बंदी जाने जनक बुलाई, बिरदावली कहाँ चली आए, कहाँ बुझाई कहाँ उपन मोरा, चले भाट ही हरचन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया, वे बिरदावली यानी वंश की कीर्ति को गाते हुए चले आए। राजा ने कहा कि जाकर मेरा प्राण सबसे कहो, भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बांदी बचन वर सुनहु सकल महाबाल, पन विदेह कर कायम भुजा उठाय विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विधि शिव धनुराव, गर्व कठोर विदित सबका, रावण बाण महावट भारी, देखि सरासन गवहि सिधारी। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। सबसे भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देखकर गौसे यानी चुपके से चलते बने, उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। योद्धा रावण और बाणासुर तक को भी सोई बुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। वैदेही का मतलब सीता जी, बिना ही विचार बारही हाथते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हट पूर्वक वरण करेंगे। सुनी पान सकल भूपा विलासे, सब राजा लालच में आ गए, जो वीरता के अभिमानी थे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस कर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर आगे बढ़े। तामा गीता की तकी शिव धनु धरई, उठाई न कोटि भात बालू करही, जिनके काजु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह धनुष इससे उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो धनुष के पास ही नहीं जाते। तामा की धारा ही धनु मोड़ा नृप, नृप का मतलब राजा, उठाई न चल ही जाए, मन पाए भाट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआई। ये मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है
तो लजा कर चले जाते हैं मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर, और धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप साहस दास कही बारा लगे उठावन कर कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं टिकता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सबा निरीप भय जो बहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबासी हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हरा कर चले गए। प्रिया तब आए हारी ही राजा बैठे निज निज जाय समाजा निर्बन मिलो की जनक हुआ कुलाने बोले बचन रोष जनसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देख कर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पनुथाना देव धनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रण धीरा। मैंने जो प्राण ठाना जो सुनकर दीप दीप के अनुकूल राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए। वरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी पावन हार विरंजन रजन धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। काहू लाभन पावा काहुन शंकर चाप चढ़ावा चढ़ाऊ रब भाई तिलवरे घूम न सके चढ़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनी को माख भगवान वीर बीना मही मैं जान तुआस निज निज गृह जाऊ लिखान विधि बेहा विवाह। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। जो कृति जाय जो पानी पारी हरो वरि कुवारी रहाओ का करो जो जन देव बिनु बट भूमि भाई तो पन करी हो ते उनासाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ कन्या कुवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्राण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नार देख जान की भय दुखारी माखे लखन कुटिल भय भरकत नयना सौहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भाव टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
कहिना सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुमान नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा कर गए, यथार्थ वचन बोले। रघुबान से न माहूं जह को होई तेही समाज अस कहई न कोई कही जनक जाति अनुचित बाणी विद्यमान रघु कुल मानी जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनाऊ भानु कुला पंकज भानु काउ सुभावन कछुआ विमान जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदि करुआ ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्राह्मण को गेंद की तरह उठा लू। काजी घाट जिमी डारो फोरी सगौ मेरु मूलक जिमु तोरी तव प्रताप मही माँ भगवाना हो बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जाने से आयसु हो कौतुक करो बिलो की असो कमन नाल जीमी चाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण लय धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तेरा छात्र दंड जिमी तव प्रताप बरना जाओ न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं, यदि ऐसा न करूं प्रभु के चरणों की शपथ।